हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जॉब नोटिफिकेशन के बारे में, जो है बीपीएससी हेड मास्टर रिक्रूटमेंट 2021। ओके, तो बहुत ही अच्छी और शानदार वैकेंसी है दोस्तों। तो मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताने से पहले आपसे निवेदन करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अच्छा ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक ज़रूर करें। ओके, तो हम देखते हैं आज के रिक्रूटमेंट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, जो है बीपीएससी हेड मास्टर रिक्रूटमेंट 2021। अभी अप्लाई मोड इसका ऑनलाइन है दोस्तों। उसके बाद पोस्ट आपको है 6421 पोस्ट के लिए। ओके, इसकी पोस्ट डेट है 5/3/2022। बीपीएससी मीन्स बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, इसका फुल फॉर्म है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हैज़ गिवन नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ हेड मास्टर वैकेंसी। दोज कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड इन द वैकेंसी डिटेल एंड कंप्लीटेड ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन रीड द नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन। दोस्तों, इसमें मैं सिर्फ इतना ही नहीं, आपको उस नोटिफिकेशन के इसमें पोर्टल में भी जाके दिखाऊंगा कि ये वैकेंसी रियल है। ओके, दूसरों की तरह नहीं दिखाऊंगा कि सिर्फ बोल दिया और कर दिया, वैसे नहीं होगा इसमें। ओके, तो इसकी एप्लीकेशन फ़ी जो है दोस्तों, फॉर जनरल कैटेगरी के लिए 750 है, फॉर फीमेल एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। इसका पेमेंट मोड है दोस्तों ऑफलाइन थ्रू बैंक। आपको बैंक में जाके इस सर्वर के बारे में बताना होगा, वो आपको पेमेंट करवा देंगे। इसकी स्टार्टिंग डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन इसकी है स्टार्टिंग डेट 5/3/2022, और सबसे लास्ट डेट है इसकी, सबसे इम्पोर्टेंट था ये लास्ट डेट है इसकी 28/3/2022, जिसमें बहुत से दिन अभी बाकी है। ओके, अभी दोस्तों आपको यहाँ पे एज लिमिट एज ऑन 1/8/2021 के तब तक आपकी एज लिमिट 31 ईयर्स हो जानी चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी होनी चाहिए 47 ईयर्स ओल्ड। एज रिलेक्शन एज पर एप्लीकेबल रूल्स के हिसाब से होगा। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो है बीएड, बीए, ईडी, बीएससी, ईडी, पीजी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी पोस्ट नेम आपको मैंने बता दिया था हेड मास्टर, और टोटल वैकेंसीज है 6421। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ दोस्तों, ये देखिए अप्लाई ऑनलाइन, मैं रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा रिलोड हो रहा है दोस्तों। देखिए, मैं बोला था आपको 100, देखिए दोस्तों, सॉरी यहाँ पे मैं लिख के भी दिखा देता हूँ, देखिए दिख रहा है। ओके, सो सभी रियल है दोस्तों। मैं इसको स्क्रॉल डाउन भी करके दिखा देता हूँ आपको, देखिए मैरिड फीमेल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी पूरी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे है। 1 मिनट, ये देखिए, थोड़ा हिला के भी दिखा देता हूँ इसको, मतलब जिससे आपको भरोसा हो जाए। ओके, ये देखिए, तो यहाँ पे ये सब होने के बाद यहाँ पे आपको ये देखिए सबमिशन एंड सबमिट एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये कर दिया आपने तो आपका काम हो जाएगा। ओके, सो दोस्तों, आपको अगर अप्लाई करना हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जो जो कैंडिडेट इसमें इंटरेस्ट रखते हैं वो ज़रूर भरिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके लिए, सबके लिए, कि यहाँ पे सिर्फ बिहार के लोग ही फॉर्म भर सकते हैं। अदर कोई भी यहाँ पे कोई भी डिस्ट्रिक्ट या कोई भी डिस्ट्रिक्ट सॉरी कोई भी राज्य का यहाँ पे लड़का या लड़की फॉर्म नहीं भर सकते हैं। फॉर्म एप्लीकेशन दोनों के लिए एप्लीकेबल है, लड़का या लड़की दोनों फॉर्म भर सकते हैं। ओके, उसमें भी कोई दिक्कत वाली या प्रॉब्लम बात नहीं है, लेकिन मिनिमम एज आपकी 31 होनी चाहिए, मैक्सिमम 47 होनी चाहिए। पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो में बता दी है, और आपको मैंने स्पेशल उसके जो पोर्टल है उसको भी, उसके ऊपर भी मैंने जाके दिखा दिया है। तो जिसको जिसको अप्लाई करना है उसको मैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक करिए, पसंद आया तो शेयर और लाइक ज़रूर करिए, और बहुत ही ज़्यादा पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू सो मच।